Protest is an essential part of democracy. It's an important political right, and I am glad that we have it in Canada, and our government will always defend that. What is not acceptable.

आप लोगों की इबादतों को आप लोगों लोग के नमाज़ों को आप लोगों के खैर वैरात को आप लोगों के हर जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह रब्ज़त पूरी करे अल्लाह अपनी हिफाज़त में रखे अल्लाह हर आबा से महफूज रखे अल्लाह हर से महफूज रखे ख़ास कर इन पाखंडियों की नजीज़ हरकतों से इन दरिंदों की दरिंदगी से इन नजीजों की नजीज़ हरकतों से इन फ़िर परस्तों की फ़िर परस्ती से इन दरिंदों की दरिंदगी से आप लोगों को महफूज रखे और जो हमारी बहनें बग़ैर शादी के बैठी है अल्लाह उनको नेक साल लहन जुड़े नसीब फरमाए और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफाई कामला शफाई जमील अता फ़रमाए और जो मरहमेन गुजर चुके हैं अल्लाह उनको जन्तलफरदोस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और जो हमारी औलाद रास्ता भटक चुकी है अल्लाह उनको नेक साल बना दे और हमको पांच टाइम के नमाजी बना दे अल्लाह हक़ पे और सच पे चलने की तोफ़ी अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को माँ फरमाए अल्लाह रब इज़त से अल्तजा है अल्लाह से ये दुआ है अल्लाह को जाने अनजाने में हमने जो दिल दुखाया है अल्लाह उसको माफ़ फरमाए क्योंकि हम उनके हबीब उनके महबूब के उम्मती है अल्लाह हम आजमों के गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह रब इज़त वाहि अलहमदिल्लावी बहर के ये आपने कुछ मैंने सैंतीस छत्तीस सैंतीस सेकंड की क्लिप रखी जबकि वो बहुत बड़ी थी वो साढ़े चार मिनट की थी लेकिन उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं रहता आप लोगों की क्योंकि ईद का मौसम है कहीं पे यूरोप में खलीज में ईद है अभी और हमारे देश में भारत में चांदरात है तो बहरहाल आप लोगों की मसरूफियत की वजह से वीडियो को भी मुख्तर रखना पड़ता और आप लोगों को उतने टाइम में सारे चीज़ें बता देने पड़ते ये हमारे कनाडा के मिनिस्टर है खारजिया का पोस्ट है उनका जो कि बहुत गर्म थे वो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से ये वाइट हाउस अमेरिका के अंदर तकरीबन यूरोप के सत्तावीस मालिक तकरीबन यूरोप के और आसपास के जिसमें अमेरिका है इंग्लैंड है और यूरोप के तमाम जर्मन से लेके फ्रांस फ्रांस से लेके तुर्की तुर्की से लेके जितने भी यूरोपीय ममालिक पुर्तगाल है हॉलैंड है, है इन सारे कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया जिसमें सब ने अपनी बात रखी और जिस तरीक़े से कनाडा के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि अभी हमारे देश में तो थम चुका है क्योंकि हमको डराया जा रहा हमको धमकाया जा रहा हमारे ऊपर केसा बुख हो रहे हैं हमारे बच्चों को उठाया जा रहा हमारे बच्चों को पकड़ा जा रहा लेकिन जिसको पकड़ना है जिसको सज़ा देनी है उसको अभी तक नहीं दिए पार्टी से निकाल के क्या एहसान करे हमारे ऊपर अरे पार्टी में रखो या निकालो हमको क्या लेना देना जबकि तुम्हारी पार्टी से खुद हमको कोई वास्ता नहीं है हमको चाहिए विकास हमको चाहिए रोज़गार हमको चाहिए देश में अमो अमान जो कि तुम ये सारे चीज़ें देने में नाकाम साबित हो चुके हैं तुम फ्लाप शो दे रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ डर और खौफ का माहौल बर्पा करे हुए सिर्फ दहशत मचाए रखे हैं तुमने लेकिन इससे बाज़ ऐसे लोग भी है जो फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी इस दरिंदगी से खैर तुमको तोफ़ी दे या अल्लाह तुमको ज़मीन बोझ कर दे तुमको नस्ते नाबूद कर दे तुमको खाक में मिला दे या तुमको सही रास्ते पर चलने की तोफ़ी अता फ़रमाए यही चीज़ हम कह सकते हैं यही चीज़ हम बोल सकते हैं बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाइयों मेरी माँ और बहनों अभी जिस तरीक़े से यूरोप में ये सिलसिला जारी है जो बढ़ चढ़ कर जबकि जी सी सी में अभी कुछ प्रोटेस्ट ठंडा पड़ा है लेकिन जो पाबंदियाँ जो बाइकआउट किया गया है जो पा पाबंदियाँ आयद किए गए हैं वो जारी है जब तक सजा नहीं देंगे जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी ये चीज तो चलती जाएगी इसके जिम्मेदार सीधे सीधे इन्होंने आज जो देश में जो हालात बने देश के बाहर हमारी इमेज मुतासर भी जो हमारी बेइज्जती भी इसके ज़िम्मेदार इन्हों है क्योंकि खारजा पालसी इनके पास कुछ है नहीं इन्हों सोचेंगे कहाँ से भई इन्हों ज़्यादा ज़्यादा यही कर सकते जाके पेट में मुंडी डालते वहाँ पढ़ते उसके बाद छोटे छोटे वादे करते फेंकते वहाँ पर जुमलेबाजी करते उसके बाद अपना काम अपन अंजाम देते क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं ना तो हम दोहराएंगे उस चीज़ को लेकिन ज़रूर ये कहेंगे कि अभी दुनिया खामोश बैठने वाली नहीं है क्योंकि इनकी हर गंदी सोच पे हर गंदे खयालात पे हर गंदे विचार पे हर जुलम पे यही होते रहेगा अब इनके साथ क्योंकि इनका सफ़ाया तो तय है, है ना उसको कोई टाल सकते ना इसको छुटला सकते हैं ये एक हकीकत है ये एक सच्चाई है लेकिन इस हमारी ए, बहन ने जो हमारी सिस्टर ने जो बातें की है वो काबिल फखर बात है जिस तरीक़े से उसने कहा कि मुसलमानों को जिस हालात में देखा जा रहा है भारत में हर तीसरे दिन दूसरे दिन एक नई प्रोगंडा इस्तेमाल हो रहा नया हथकंडा इस्तेमाल हो रहा नई साजिश रची जा रही जो काबिल मजम्मत है जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है इनको एक ही चेतावनी दी गई है अभी इनो सुधरो और मुसलमान से ये जो कीना कपाट जो करते हैं ये लोग इनकी गंदी सोच इनको बदलना चाहिए नहीं तो इनके ऊपर क्या होगा बस ही जानता है बेहतर हम अल्लाह से तो ये ज़रूर दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे देश की हिफाजत फरमाए और खासकर हमारे देशवासियों की और स्पेशल यानी खसूस हम मुसलमानों की क्योंकि जिस तरीक़े से मुसलमानों के कारोबार से लेकर मुसलमानों के घरों से लेकर मुसल हर वो चीज़ में मुसलमानों को अज्जतें पहुंचाई जा रही है जो कि एक काबिल मजम्मत है ये एक काबिल मजम्मत है जबकि हमको इससे कोई सरोकार नहीं है इन क्या कर रहे हैं इनों इन साढ़े आठ नौ साल में क्या क्या है हमने कभी नहीं पूछा क्योंकि इनकी जुमलेबाजी हम सोचते हैं और इनका साथ देती है हमारी गोदी मीडिया ये क्या हो रहा है ये हमारे देश के बाहर ये लोग बताने से और कहने से भी खासिर है क्योंकि ये इनको मना किया जाता है ये इनको पैसा दिया गया है कि सिर्फ इनकी वाहवाही करे चाहे ये कुछ भी काम करें ये कुछ भी रवैया इख्तियार करे इससे इनको ना देश की मीडिया को ये बताने से मना किया गया है लेकिन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास अल्लाह इज़्ज़त ने पाके परवरदिगार ने हर वो सोच दी है समझ दी है अक्ल दी है और दुनिया को हमारे अर्द गर्द रखा है अभी हमारे साथ जो कुछ भी होता है दुनिया की सारी नज़रें हमारे ऊपर है क्योंकि हर वो जुल्म हमारे साथ जो होता है पहले हम बर्दाश्त करते थे चीखते चिल्लाते थे हमारा सुनने वाला और बोलने वाला कोई नहीं था लेकिन आज हालात बरक्स हो चुके हैं हालात अक्स हो चुके हैं जिसकी आप लोग जो दुआएं की जो इबादतें की अल्लाह सुबहाना ने आपके दुआओं को कबूल फ़रमाए इसलिए मैं यही कहूँगा ये यह हमारे लिए ख़ुशी का लमह है और जितना हो सकता मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाइयों खैर खैरात कीजिए और नमाज़ों की पाबंदी करिए ताकि अपने रूठे हुए रब को मना लें हम अल्लाह इज्जत हमारे साथ है तो इनकी कोई औकात नहीं है कि ये हमारे को तिरछी आँख से भी देख सके इनकी कोई औकात नहीं है इनकी कोई हैसियत नहीं है सिर्फ़ ये ख़बीस है हमारे ऊपर ख़बीस के बच्चे हमारे ऊपर जुल्म लिए लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला इनका नहीं है ये बहुत जल्द अभी तो इनकी हर वो चीज़ पता चल चुकी है दुनिया को और दुनिया क्यों बर्दाश्त करेगी भाई बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि एक इंटरनेशनल रूल्स है जो कंट्री में जुल्म होता है कोई मजहब को लेकर या किसी एक ज़ात के ऊपर तो दुनिया के यूएनसीसी ने यह क़ानून बनाया है कि उसके ऊपर बात की जाए उसको ख़त्म किया जाए या नहीं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जीसीसी से लेकर ओआईसी के भाइयों ने हमारे मुस्लिम कंट्रियों ने जिस तरीक़े से एहतजाज किया था और जो बरहमी का इजहार किया आज उसका फ़ायदा सारी यू अकवाई मतहदा तक जा पहुँचाए आज हर पार्लिमेंट में चाहे अमेरिका के हो वाइट हाउस में या लंदन के हो या आस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड या यूरोप के कहीं पे भी हमारी फिक्र हो गई है लोगों को हर इनकी पार्लियामेंट में हमारी बात चल रही है हम मुसलमानों के इंसाफ की बात चल रही है और जो ज़्यादती हमारे साथ होती है इंसाफी जो हमारे साथ होती है जो तिरछी आँख से हमको देखा जाता है इसके ऊपर तबसरे चल रहे हैं हमारे साथ हमारी बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया उसके बाद गलत गलत वादे किए गए जुमरेबाजी की गई छूट पे छूट बोला गया उसके बाद ज्ञान वापी मस्जिद का निकाल के निकाले थे ये लोग शिवलिंग को लेके आए थे बीच में एक फुवारे के फुवारे को लेकर शिवलिंग बताए थे ये लोग और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर को एक अलग तरीके से दिए थे लेकिन ये तो ख़त्म हो गया लेकिन ये नजीज हरकतें जो करते हैं इसके ऊपर बात हो रही है हमारे ऊपर सी डबल एन पी आर एन आर सी जैसी नजीज हरकत की गई हमारे को ऊपर टिबुल तलाक़ जैसे हमारी शरीयत में मदाखलत की गई हमारे हिजाब के ऊपर ये लोग कर्नाटक से शुरू करे थे इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए यूपी के जिसमें ये सारे इस वक्त सारी दुनिया में ये तबसरे चल रहे है, इसके ऊपर बात हो रही है कि इतना जुल्म अखर मुसलमानों पे क्यों हो रहा है ये सारे चीज़ों का जवाब इनको देना पड़ेगा हर हाल में कब तक ये खामोश बैठते रहेंगे नहीं बैठ सकते इनको देना पड़ेगा इनको जवाब देना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी जो हमारे गुस्ताख़ी किए हैं गुस्ताक रसूल है उनको सज़ा देनी पड़ेगी इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी क्योंकि अब हमारे साथ सारी दुनिया हमारे साथ है चलो तो मेरे अजीज़ दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर एक मरतबा आपको ईद अल्ह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं वो फजल और दुआओं में याद रखे अपने भाई को र्बानी दिल खोल के करिए और गरीबों की कर मदद करिए और साफ़ सुथरा रखिए अपने बस्तियों को अपने घरों के पास घरों के बाहर किसी कचरा डालने मत दो वो एक थैली में डालकर कुंडी में डालिए ज़ुबाले में डालिए अल्लाह जिकम खैर हफ्जिकल्लाम आंत ख़ैर ईद कम सीद इनशा कुल आंतु ख़ैर सामक